प्रियंका अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, आज ये जो पूरा वेस्ट बंगाल की सरकार पर एक तरह से हमला हुआ है, हम लोग वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ खड़े हैं। जब से ये 4.5 साल की जो सरकार है आरएसएस और भाजपा द्वारा शासित, इन्होंने पहले हमारा जो आरबीआई था उसको सरकार से लड़ाया, फिर सीबीआई वर्सेस सीबीआई कराया, अब जो है सीबीआई वर्सेस हमारा जो फोर्स है, जो सरकार है उसके खिलाफ इन्होंने उतार दिया है। ये सीधे सीधे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी बदले की भावना से, जिस तरह से फिल्मों में होता है, 3 घंटे के फिल्म में बदला लेना है आपको, उस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। 2 साल हो गए, मेरे नेता अखिलेश यादव जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। रिवर फ्रंट पे आपने कराया सीबीआई, कुछ नहीं मिला। जिस दिन गठबंधन हुआ सीबीआई लगा दिया। वेस्ट बंगाल में पूरे देश का जो विपक्ष किसानों के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर खड़ा हुआ, आपने सीबीआई लगा दिया। सवाल यह है कि 5 साल में आप क्या, 4.5 साल में आप कर क्या रहे थे? अगर उस पूरे मामले में जो आप कमिश्नर के दफ्तर पे जो आपने पूरा अटैक किया, आपने उनको डेमोक्रेटिकली आपने कोई समन भेजा, कोई आपने दस्तावेज उनको उपलब्ध कराया? चोरी डकैती करने तो सीबीआई नहीं गया था ना। तो ये दिखाता है कि सीबीआई का इस्तेमाल ही नहीं, हम तो ये कहेंगे कि सीबीआई का पूरा वकार प्रधानमंत्री मोदी जी के रिजिम में से खत्म हो चुका है। और इस वक्त पूरे देश के लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो सिलसिलेवार हमले हैं उसके पक्ष में खड़े होने की जरूरत है।